हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और अब आज हमारा है डे टू इन दिल्ली और मैं बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाली हूँ। सो कल रात को मैं बहुत लेट सोई और अब हम थोड़ा सा ज्यादा लेट हो गए उठने में, बट देन अ लॉट ऑफ थिंग्स आर प्लान फॉर टुडे एज वेल एंड तेजस्वी इज पैकिंग। और हम लोग जाने वाले हैं कुतुब मीनार एंड आई थिंक वील गो टू सरोजनी एज वेल, क्योंकि हम ऑब्सेस्ड हो चुके हैं सरोजनी के कपड़ों से एंड टी शर्ट्स आर लाइक रियली गुड क्वालिटी, तो मैंने आज वहीं पहना हुआ है। एंड आई एम लीविंग फॉर जोधपुर अगेन टू नाइट। तो आज बहुत कुछ लाइन अप है, इट्स लाइक अ फन डे प्लान्ड, सो स्टे ट्यून, कीप ऑन वॉचिंग। एंड अभी हम चेकआउट करेंगे, देन कहीं हम रुक कर ब्रेकफास्ट भी करने वाले हैं, सो लेट्स गो। सो फाइनली वी आर चेकिंग आउट, वी आर ऑल रेडी, तेजस्वी इज हियर, उसने पैकिंग भी कर लिया, अब हम चलते हैं। चले एक बार लास्ट मिनट चेक करना है, कुछ कर ले। सो दिस वॉज अ रूम और यहाँ पे ना ऐसे बी एच केज होते हैं जिसके अंदर लोग लाइक डिफरेंट डिफरेंट रूम में वो लोग चेक इन कर लेते हैं, सो वी ऑल्सो डिड दैट। सो अब चलते हैं एंड आई जस्ट बुक अ कैब और समथिंग और फिर हम मिलते हैं। सो फाइनली वी हैव रीच कुतुब मीनार और अभी हम जा रहे हैं ये बैग्स हमारे सबमिट करने एंड देन आई विल शो यू गाइस, सो होल्ड फॉर अ मिनट एंड लेट मी जस्ट शो यू। सो कुतुब मीनार के सामने जस्ट ये जगह है क्लॉक रूम, यू कैन कीप योर लगेज, वहाँ से आपको वॉक करके आना पड़ता है और ये अब हम जा रहे हैं रखने के लिए। सो चलो लेट्स सी क्या होता है, फिर मैं डिटेल शेयर करती हूँ। सो वी हैव सबमिटेड द बैग्स एंड ही टुक, मतलब ऐसे आप मन से कुछ भी रुपये दे सकते हो, सो वी गेव 10 rupees एंड दैट्स तेजस्वी। और यहाँ अब हम लोग जाने वाले हैं, सो आई जस्ट शो यू बैक कैमरा से वेट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे टिकट लेंगे हम लोग एंड देन वी गो बैक अगेन और यहाँ पर पर्सन ऑलरेडी मैंशन है, सो यू कैन जस्ट सी इफ यू वांट टू कम। सो ऐसे हमें टोकन्स मिले हैं, अब हम जाने वाले हैं वापस से वहाँ पे, सो टोकन के लिए बहुत देर वेट करना पड़ा है। सो गाइस लेट्स गो। एंड फाइनली अब हम अंदर जाएंगे, ये तेजस्वी बैग चेक करा रही है। सो इट एक्चुअली फील्स सो गुड व्हेन यू आर एबल टू एक्सप्लोर न्यू सिटीज, वो भी ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो अब हम हैं यहाँ पे एंड या गाइस लेट्स गो। सो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ गाइस, दैट्स द कुतुब मीनार जो हम देखने आए हैं। सो चलो सारी चीजें हैं तेजस्वी एंड वहां हमें जाना है, बट देन कैसे जाना है वहां पे, दैट्स द ट्रिक। लेट्स सी, लेट्स फिगर आउट समथिंग। आई थिंक यहाँ से हम वॉक करके जा सकते हैं, तेजस्वी यार अमेजिंग है, लेट्स गो, चल भाग। चलो गाइस चलते हैं। सो दैट्स कुतुब मीनार गाइस, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, चलो करें दिखाती रहूँगी बीच बीच में, फुल दिल्ली एक्सप्लोर करने वाली हूँ मैं तेजस्वी कैमरामैन तेजस्वी के साथ। दैट्स कुतुब मीनार, यहाँ पे कितने सुंदर मॉन्यूमेंट हैं यार सारे, चलो चले आ जाओ। फाइनली वी आर हियर गाइस, बहुत ज़्यादा क्राउडेड, आई डोंट थिंक एक प्रॉपर पिक्चर हम लेंगे, बट लेट्स सी यार। इंडिया की कार्विंग्स तो मतलब क्या ही बोले यार, लाजवाब है, यू कैन सी इट, दैट्स कुतुब मीनार फॉर यू गाइस। गाइस अगर आओ तो मस्ट विजिट है, मैंने इसको बहुत फोर्स किया तभी आई है, बट ब्यूटिफुल, मतलब आई डोंट हैव रियली लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दिस प्लेस, क्योंकि इतनी ब्यूटिफुल कार्विंग्स है यार, अगर आओ तो डेफिनेटली विजिट। हाय गाइस, तो अब मैं बैठी हूँ यहाँ पे और अगर आओ तो यहाँ पे बिल्कुल पिक्चर क्लिक कराना, वो बहुत ही ब्यूटिफुल सा फ्रेम है और ये सन किस भी मैंने पिक्चर्स क्लिक करा ली है। सो स्टे ट्यून्ड ऑन माय स्टोरीज एंड ऑन माय इंस्टा आईडी व्हिच विल बी लिंक्ड ऑन द स्क्रीन और इन द डिस्क्रिप्शन, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं ब्लॉग करने के लिए, सो स्टे ट्यून्ड क्योंकि मैं नेक्स्ट जगह जाने वाली हूँ, सो लेट्स गो। सो आई एम बीइंग द ओवर लाइक एक्साइटेड वन एंड शी इज बीइंग द वन हु इज टायर्ड और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं,
सो तेजस्वी इरिटेट हो गए, तेजस्वी लाइक अब अगली जगह चलो, बट अभी फिर भी हम एक दो पिक्चर्स और क्लिक करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लेस। सो यहाँ पे बहुत सारे ना डिफरेंट सेक्शंस हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आई थिंक दे कीप इट मेंटेनिंग ना, सो दैट इज व्हाई। तो यहाँ पे भी हम बहुत सुंदर कार्विंग्स है, मतलब ये तो मैं आई थिंक आई जस्ट सेड 100 टाइम्स इन दिस वीडियो। सो अभी हम जाने वाले हैं एक और जो साइड है, सब में मल्टीपल ऐसे साइड बने हुए हैं, सब हम दूसरी साइड जा रहे हैं। सो रुको मैं दिखाती हूँ। सो यहाँ पे से बहुत सारी गाइस जगह बनी हुई है जहाँ पे आप पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो, इट्स ऑल लाइक रिलेटेड टू हिस्ट्री, जिसको इंटरेस्ट है पढ़ सकते हो गाइस। अब मैं स्क्रीन पे भी डाल दूंगी और वरना गूगल कर लो। सो हम देखते हैं यहाँ पे भी पिक्चर्स क्लिक कराएंगे एंड देन वी विल गो। मौसम भी बिगड़ रहा और बहुत अच्छा होता जा रहा है एंड दैट्स कुतुब मीनार फॉर यू गाइस अगेन। सो हर जगह से इसका व्यू आने वाला है और मुझे लग रहा है बारिश हो सकती है। ओ वाओ ब्यूटीफुल। सो चलो अब चलते हैं, जल्दी जल्दी से चलते हैं क्योंकि और भी जगह एक्सप्लोर करेंगे। तो अब बारिश होने वाली है, हम थक भी गए हैं क्योंकि इससे ज़्यादा मैं हिस्ट्री में मेरे को थोड़ा कम इंटरेस्ट है और ना मैंने इतनी हिस्ट्री पढ़ी है ऑनेस्टली। सो इफ़ यू वांट टू रीड गाइस गूगल पे पढ़ लेना, और अगर आओ दिल्ली तो यू शुड डेफिनेटली कम टू दिस प्लेस फॉर पिक्चर्स और टू नो अबाउट लाइक हिस्ट्री। सो अब चलते हैं, शायद हम जाएंगे बाहर, वी हैव समथिंग, आई शो यू गाइस जो भी हम करेंगे एंड तेजस्वी आराम से आएगी। सो चलो चलिए। सो बारिश एक्चुअली बहुत तेज़ शुरू हो चुकी है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ना कुतुब मीनार में एक ऐसे मीनारत को यूज़ करना पड़ेगा अपने शेड के लिए, और बारिश तो मेरे प्लान का हिस्सा भी नहीं थी। आ जाओ इधर आ जाओ। सो मैम बारिश हो रही है, उन अंकल को भी पता नहीं, भैया को भी हमारी वीडियो में आना है। ओह गॉड। चलो हम यहाँ आई थिंक देखते हैं, बारिश अगर तेज़ नहीं हुई तो हम निकल जाएंगे, विल जस्ट हैव समथिंग, और अगर तेज़ हुई तो उस मीनारत को हम यूज़ करेंगे जब तक हम कर सकते हैं। और प्लान के अकॉर्डिंग बारिश मेरे प्लान में बिल्कुल नहीं थी, बट वी हैव अम्ब्रेला, सो कॉन्फिडेंट बारिश नहीं होगी बट वी हैव अम्ब्रेला तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। सो अभी देखते हैं क्या होता है, वी विल कीप यू गाइस अपडेटेड। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि ऐसी हिस्टोरिक जगह पे मैं इतनी हिस्टोरिक काम करने वाली हूँ और मैं यहीं अटक जाऊँगी बारिश की वजह से, विच वॉज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ माई प्लान। और अब हम यहाँ बैठे हैं वेट कर रहे हैं कि बारिश रुके और फिर हम नेक्स्ट जगह पर निकले। वी हैवंट हैड एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, और आप देख पा रहे हो तेजस्वी छुपने की कोशिश कर रही है, विच इज़ ट्राइंग और लेवल बेस्ट, बट देख लो अभी भी कोशिश जा रही है बट हो नहीं पा रहा उससे। और ये बारिश बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बट क्योंकि मेरी जो टू डू लिस्ट है और उसके बाद मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आ गया, विच इज़ जहाँ हो वहीं का मज़ा लो, अब मैं आगे मज़े नहीं ले पा रही हूँ यार, बट लेट्स सी क्या होता है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो बोरा कुतुब मीनार बहुत तेज़ बारिश हो रही है एंड वी आर जस्ट वेटिंग कि बारिश रुके और फिर हम निकले। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, हर जगह से पानी छू रहा है। पानी भी ठंडा है और यहाँ पे ओले गिर रहे हैं। अरे छोटे, मैं तो पहली बार देखा यार ओले गिरते हुए, तो दिस इज हिस्टोरिक नाउ। सच में क्या? इतनी बारिश में हम लोग भीगते हुए आए एंड आई मैनेज वो चाय जो अभी हमने पिया वो, और इसमें बहुत सारी पेटीज में लेकर आई हूँ तो जो हम खाने वाले हैं। सो गाइज लेट्स हैव इट और फिर मिलते हैं क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सो फाइनली हम लोगों ने कुछ खाया और अभी मैं तो कैब में खाने वाली हूँ, तेजस्वी कैब बुक कर रही है। हम अभी कहाँ पर वेट कर रहे हैं, जहाँ पे सबके लगेज रखे जाते हैं कुतुब मीनार के वहाँ पे। सो वो रहा मेरा लगेज, वही है तेजस्वी का वहाँ पे है। सो अभी हम लोग कैब बुक कर रहे हैं, लेट्स सी हम लोग अपने लगेज कहीं और रखने वाले हैं एंड देन फिर हम जाएंगे इंडिया गेट। सो स्टे ट्यून्ड। और हम जाएंगे पर उसके पहले बताना चाहूँगी कि मैं पूरी भीग चुकी हूँ, यू कैन सी, मतलब इतनी ज़्यादा हम भीग गए ना, आधा तो क्योंकि तेजस्वी और मैं भीग गए, हम लोग गुम हो गए। सो मैं इसको ढूंढने निकली, मैंने चाय लिया बिकॉज वी वॉन्टेड टू हैव चाय, बहुत ज़्यादा ठंड है, ओले गिर रहे हैं, सब कुछ आज ही होने वाला है, बट लेट्स सी हम कितना कुछ एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट लोकेशन। कैब बुक नहीं हो रही बट देखते हैं क्या होने वाला है अब और क्या क्या वेट कर रहे हैं। सो इतनी ज़्यादा हिस्टोरिक चीज़ें करने के बाद ओले देख लिए, सब कुछ कर लिया है, ऑटो कैब कुछ भी बुक नहीं हो रही, हम लोग थक गए। और उसके बाद में हमने एक अंकल को किया है जो कि हमें बीकानेर वाला है वहाँ पर वो ड्रॉप करेंगे,
देन वहाँ से तेजस्वी का कोई नोन है जो कि हमारा लगेज लेकर जाने वाले हैं, एंड फिर हम लोग इंडिया गेट एक्सप्लोर करेंगे, कुछ मार्केट घूमेंगे, सीपी जाने वाले हैं, जनपद जाने वाले हैं, प्लान बहुत सारे हैं। अब लेट्स सी, क्योंकि 4 o'clock तक है ना बहुत ज़्यादा फोरकास्टिंग है कि बारिश बहुत होगी, बट लेट्स सी हम लोग कितना फिगर आउट कर पाते हैं। और तेजस्वी लाइक क्या बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर मोड पे हो, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर पाऊँ। कुतुब मीनार भी हमने, यार तेजस्वी अगर तू आज नहीं आती ना तो तू इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाती। इसलिए ओले गिरते हुए देख लिया यार, हम कुतुब मीनार खड़े हैं, बारिश बारिश सब देख लिया, एंड अब हम लोग टूवर्ड्स, वी आर गोइंग टूवर्ड्स इंडिया गेट एंड वी विल सी यू देयर। सो स्टे ट्यून्ड, कीप ऑन वॉचिंग। इतना पानी भर चुका है हर जगह दिल्ली में, सी बट स्टिल दिस कैन नॉट स्टॉप अस। और अब हम जा रहे हैं और अब हम जाएंगे इंडिया गेट, थैंक्स टू दिस अंकल, क्योंकि इन्होंने लिटरली मतलब हाँ कर दिया और हम जा पा रहे हैं। वरना हमारी एक भी कैब ऑटो कुछ नहीं बुक हो रहा था, बट ऑल क्रेडिट गोज टू हिम कि अब हम इंडिया गेट देखने वाले हैं। इतना ऑसम मौसम है, अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं, बट द मौसम इज सो गुड। ये प्लान का पार्ट नहीं था बट आई एम इंजॉइंग इट, शी इज ऑल्सो इंजॉइंग इट नाउ। बहुत ज़्यादा मतलब लग रही था कि गर्मी लग रही है, बट थैंक्स गॉड इतना अमेजिंग मौसम हो गया है। और अभी हम जा रहे हैं इंडिया गेट, जैसे मैंने आपको बताया, तो जैसे ही पहुँचेंगे जस्ट शो यू गाइस, अभी मैं दिखाती हूँ कितना सुंदर व्यू है, ग्रीनरी, बारिश, मौसम, और अब ठंड लग रही है, अब इतनी ज़्यादा ठंडी हुई मैं इतनी हल रही है, ठंड में भी नहीं लगी। सो चलो अभी मैं दिखाती हूँ इस ग्रीनरी की मैं बात करी हूँ, देखो कितना सुंदर लग रहा है। तेजस्वी और ये भैया हमारे बैग शिफ्ट करें किसी और की कार में, क्योंकि अब हम यहाँ से और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, सो हम इन बैग्स को नहीं रख सकते थे। सो वो लोग गए और अभी तेजस्वी वापस आके ज्वाइन करिए, यहाँ रुक जाओ, बस यहाँ रुक जाओ, शायद यही होगा उनका ना, हाँ यही है, यही है, यही है। तो फिर अभी हम यहाँ पर इस कार में रखवाते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं। चलो अब हम चलते हैं, इसने रखवा दिया। तो आई हैव मेड इट टू इंडिया गेट और अब मैं जाने वाली वॉक कर कर, सो जल्दी से भागते हैं। तो हम उतरे तो थे इंडिया गेट अंदर जाने के लिए, पर देन वो वाला गेट लॉक है, अभी पता नहीं क्या है, क्योंकि तो बारिश, तो हम दूसरी साइड से घूम कर जा रहे हैं। और इसके बाद में हम लोग, क्योंकि बारिश हो रही है तो लेट्स सी, पर अब हम इन्हीं भैया को ये हमें आगे भी लेके जाएंगे 300 rupees, और उसमें अभी हमें यहाँ से लेकर आ गए यहाँ तक। तो अब हम जा रहे हैं वॉक करके इंडिया गेट के साइड पर, और ये दूसरी साइड से एंट्री थी, पर बारिश मुझे नहीं रोक पा रही है क्योंकि मैं बारिश में भीग कर भी, और मुझे एक्चुअली द थिंग इज कि मैं लिटरली बीमार हो सकती हूँ, मेरा कल भी शो है पहुँचने के बाद, एंड मतलब मैं पूरी भीग चुकी हूँ और मुझे रात तक ऐसे ही रहना है। क्यों? क्योंकि मैं इसी में ही वापस, मेरी मुझे ट्रेन में ट्रैवल भी करना है, मेरी रात की ट्रेन है, बट आई थॉट कि मैं पूरा दिन सिर्फ एक्सप्लोर करूँ, इन्जॉय करूँ, और दिल्ली आई हूँ तो बहुत सारी मेमोरीज बना कर लेकर जाऊँगी। सो अब एक बार इंडिया गेट एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद में हम जाएंगे जनपद, क्योंकि वहाँ पे मैं शॉपिंग करूँगी, उसके बाद में हम जाएंगे सीपी, मेरी बहन का ऑफिस है, सो उससे मैं मिलूँगी वहाँ पे। तेजस्वी रन आ जा। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, मौसम इतना साथ दे रहा है, बस आई एम इन्जॉइंग, मज़ा आ रहा है मुझे, और दिल्ली आई लव इट, और दिल्ली इज़ लाइक अ ड्रीम सिटी। सो अब एक्सप्लोर करते हैं और ज़्यादा, एंड चलो चले। सब हम जा रहे हैं एकदम यहाँ पे, इनको पहले हम देखते हैं यहाँ पे पिक्चर क्लिक कराएंगे, एंड देन दैट्स इंडिया गेट यू गाइस, फिर हम वहाँ जाएंगे और एक बार जाती हूँ, पिक्चर्स क्लिक कराती हूँ और फिर मिलते हैं, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी से करना है, क्योंकि हमारे ड्राइवर अंकल भी वेट कर रहे हैं। और यार इतनी बारिश में भी इतने, चलो अच्छा है कि लोग कम हैं, सो पिक्चर्स अच्छी आएगी। How is it, Kanishka? Oh my God! I have made it to India Gate. इतनी बारिश में, I'm happy. So finally, I have made it to India Gate, and we have made it to India Gate. और like literally, guys, मजा आ गया। अब मेरे को इच्छा तो थी इसको टच करके जाऊँ, पर मैं इसको टच नहीं कर सकती। पिक्चर्स हमने, क्योंकि मेरे ऑटो वाले अंकल वेट कर रहे हैं तो हम इतनी देर ही रोक सकते हैं, सो हम वापस से भाग कर जाने वाले हैं। यार हम इंडिया गेट सच में टच नहीं कर सकते, नहीं।
यार सच में मजा आ गया। चलो एक बार आपको एक थोड़ा सा वीडियो दिखाती हूँ। सो गाइस आप पिक्चर्स में क्लिक करा सकते हो और अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि मैंने अंकल वेट करे, जैसे मैंने बताया इंडिया गेट हमने देख लिया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ इंडिया। चल लेते हो। गाइस ये हमारे ऑटो वाले अंकल हैं। अंकल थैंक यू, मज़ा आ गया देख के, और इन्होंने लिटरली हमें इतना हेल्प किया है। अब हमें लेकर जा रहे हैं जनपद गाइस। चलो लेट्स गो। सो अब हमें इतने अच्छे अंकल मिले हैं। अब हमने लिया एक चाय ब्रेक, तेजस्वी चाय लेकर आ रही है और फिर हम चाय पियेंगे और फिर हम निकलेंगे जनपद। सो स्टे ट्यून्ड, एक बार चाय आ जाए देन आई विल शो यू गाइस। तो अंकल की चाय और पार्ले जी का आपका, ये रहा अंकल का चाय, पार्ले जी आ गया है। अच्छी है चाय, परफेक्ट जैसी आप पीते हो। चलो अब हम भी चाय पीते हैं। तेजस्वी अपनी भी लिया यार, अब वो लेकर आ रही है, फिर मैं दिखाती हूँ। बता रहे थे क्या बता रही थी? मुझे तो थोड़ा बाहर जाओ, तो एक ना प्रो टिप मैंने इसको दिया है, विच विल हेल्प हर। थी ना प्रो टिप? लाइफ चेंजिंग। हेल्प तो करेगी। सभी हम चाय पी रहे हैं, अंकल को सारे क्रेडिट जाते हैं, थैंक्स अंकल को है, क्योंकि अंकल ने लिटरली, मुझे ये पता था अगर मैं अंकल को ये बोलूँगी तो अंकल रोक देंगे और मैंने वही किया। बस अगर आप किसी के साथ अच्छे हो ना तो वो इंसान भी अच्छा होगा। मतलब अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि दिल्ली में अच्छे लोग नहीं होते ऐसा, बट आई डोंट थिंक लाइक दैट। मुझे कल रात को भी जिन्होंने ड्रॉप किया, बिकॉज मैं वेन्यू से बहुत लेट आई हूँ, ही वॉज रियली अ नाइस पर्सन। और ड्राइवर अंकल कैसे अभी? यस एग्जैक्टली। तो इफ यू आर नाइस टू समवन, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी नाइस। यू कैन मेक एनीवन नाइस टू यू। हां हां, नथिंग लाइक दैट। बट सेकंड दैट। चले अंकल, चले अंकल, चलो चलते हैं। पैसे लेके आ रहे, पैसे लाने ले। अंकल ले आएंगे, अंकल को बोल दे। अच्छा अंकल को ₹25 देंगे वापस। बहुत लंबा व्लॉग बन जाएगा वरना। सो लेट्स एक्सप्लोर दिल्ली। और अब हम जा रहे हैं कहां पे? जनपद। सो हम जा रहे हैं जनपद। अंकल हमसे टोटल जितना अमाउंट है ₹300, इंडिया गेट तक 200 और 100, अब हम वहां से यहां तक अंकल ने ऐड ऑन किया एंड इट्स जस्ट फाइन। सो अब हम जाएंगे एंड सी यू देयर। हमें चाय करनी है, मतलब हम ऑन द वे तो हम कुछ ऐसे फिलिंग मैप ऐसे खा रहे हैं कि थोड़ा बहुत हम खा लेते हैं, क्योंकि वहाँ जाते हैं हम शॉपिंग करेंगे। और अगर आपको बाइक से याद है ना तो आप हल्दीराम से पीलो खा सकते हो, इट्स सो गुड। अच्छा ना, एकदम या वेरी चॉकलेट, एकदम बाइक्स जैसे, सेम बाइक्स, एग्जैक्टली बाइक्स जैसे ही हैं। दिल्ली आओ तो अंकल को कॉन्टैक्ट करना और अंकल बिल्कुल घुमाओगे ना। अगला आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार माथुर। प्रमोद कुमार जी, करना मिलना डेफिनेटली अंकल से, और मैं नंबर डेफिनेटली छोड़ दूंगी। अब हम जा रहे हैं जनपद एक्सप्लोर करने। सो लेट्स गो। सो हम जनपद पहुँच चुके हैं, पर्सेस हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर कि क्या क्या हम लेंगे। ये फोन कवर्स देखते हैं, आ जाओ लेट्स सी। और एक पर्पल वाला मुझे दिखाओ, ये ब्लैक देने वाली प्राइस। हाँ देने वाला मुझे तो रात, इसका मुझे प्राइस बताओ कौन सा। बहुत कुछ लिया है जनपद से, ये लो डालेंगे ना आपके, फेमस हो गई ना। और अगर ये रह जाता फिर ₹100 के चक्कर में। तो मैंने शॉपिंग कर ली है, वो भी ना ये नॉवेल्टी एंड शू के बहुत ज्यादा स्टोर्स हैं उसके जस्ट साइड में, और उन्होंने बहुत सही प्राइस पे लिया है। सब आगे चलते एक्सप्लोर करने, लेट्स गो शॉपिंग में। नेक्स्ट मॉल में दिस वाज द शॉप। सो चलो आगे देखते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं हम वॉक करते जा रहे हैं, बारिश में हम आ तो गए, गलत किया सही किया वी डोंट नो, बट लेट्स गो। सो बिकॉज बारिश है और यहाँ जनपद का मार्केट इज वेरी गुड, यहाँ सब कुछ मिल जाता है। हे लेट्स गो। ए तेजस्वी इधर आ, कम हियर। चलो हम देखते हैं, कुछ तो हम खरीद रहे हैं, फिर मैं दिखाती हूँ कि बारिश हो रही है, सो आई कैन ब्लॉग एवरीथिंग। सो यहाँ पे हम कुछ देखेंगे। पास मैंने एक शॉर्ट लिया है एंड एक फ्रॉक लिया है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें नहीं लग रहा तुझे? चले आगे आ जाओ। अभी हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं जनपद में, ये खरीदी जा रही है। मैंने एक शर्ट लिया है ₹500 और एक फ्रॉक लिया है ₹350 में, जो कि मैं दिखाऊंगी अपने एक हॉल वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। अभी इयररिंग्स एंड ऑल भी लेने वाली हूँ, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बिकॉज फिर मुझसे मेरे एक फ्रेंड मिलने आ रहा है, बहन से मिलूंगी और फिर सीपी जाएंगे, और बारिश हो रही है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट।
ले रही है कि नहीं कर रही है सो यहाँ से मैंने किया है काइंड ऑफ नॉट लाइक दिस एंड दिस कॉस्ट मी 300 रुपीज. मैं दिखाऊंगी अपने एक डिफरेंट हॉल वीडियो में. सो अगर आओ तो इस शॉप पे डेफिनेटली आना. आई थिंक दिस इज शॉप नंबर 16 जनपद पे एंड का स्टफ इज रियली गुड. इसने भी लिया यहाँ पे ऐसा एक गेम ऑफ थ्रोन का शॉट एंड ये मुझे बहुत सही 300 में मुझे उन्होंने फ्रॉक दिया. मैं दिखाऊंगी इन अ व्लॉग सो स्टे ट्यून्ड. और अभी हम और मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और बारिश में आए तो डिस्काउंट अच्छे मिल रहे हैं. सो मैंने नाइट सूट लिया है गाइस. ये ऐसे अंकल यहाँ पे मतलब आप रोड पे वॉक करते रहोगे तो यहाँ पे मिलेंगे. एंड मैंने नाइट सूट लिया है. रख दो आप ये वाले सेट्स कितने के हैं गाइस. यहाँ पे आपको ज़ारा का सरप्लस स्टॉक मिलता है जनपद में. तो आओ तो यू शुड डेफिनेटली विजिट. मैं पागलों की तरह शॉपिंग कर रही हूँ तो सब कुछ हॉल में दिखने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड. ये भी देख वीडियोज बनाई जा रही है. चलो गाइस स्टे ट्यून्ड. तो ठीक है आपकी वीडियो बन जाएगी. आप 1100 में दे दो भैया. मैं दे रही हूँ क्या 1100 का कोस्टिंग. आपने मुझे बुलाया है और अब बुला के बगैर ज़्यादा ये देख यार इन्होंने तुझे दे दिया. इन्होंने मुझे दिए हैं दो. इन्होंने मुझे दो दिए हैं क्योंकि मैंने भी चैनल तो आपका क्यों दिए मैंने. मैं आपने मुझे कितने में दिया ये बता दो. बोलते हैं वीडियो बनाओ और मुझे उन्होंने दिए 1150 में. उन्होंने मुझे दो दिया है एक फ्रॉक और एक कॉट से दिया ये वाला. सो वे चल वेयर एंड आई ट्राई. पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे. गधों की तरह शॉपिंग हम कर रहे हैं. और ये पता नहीं कौन सी ब्यूटीफुल ड्रेस लेकर आए तेजस्वी. कितने में दे रहे हो वापस बुला बुला के हमें दिया. मैं तो पूरी भीग चुकी हूँ गाइस. लेट मी शो यू. मुझे तो दिखा दे. पूरी भीग गई हूँ मैं यार. वो भी इनमें से किसी की वजह से. लोग क्या करते हैं बारिश में इसको ऐसे मतलब पुश करेंगे एंड देन वो पानी किसी में भी गिर जाता है. तो मैं भी उनमें से एक थी. सो मैं भी गीली हो चुकी हूँ. कैसा लगा हमारे को सामान देकर. आपकी शॉप का नंबर बता दो. 20 नंबर शॉप है गाइस. आना बिल्कुल. बहुत अच्छी अच्छी फ्रॉक्स और अच्छा कलेक्शन है. और डिस्काउंट कर देते हैं तो ये नाटक करेंगे पर चले जाना तो खुद दे देंगे तुम्हें. सो ये इनकी स्कीम है. पहन पहन के दिखाएंगे. और ये स्कीम है. ये देख शॉक पहन के बैठे हैं. इसको बेचे चेले. कौन चेले कौन चेले कौन चेले हैं आपके. चेले कौन है आपके. अच्छा खुद ही खुद के. वेरी गुड. नंबर लीक कर रहे हैं. 700 अभी आपने मुझे बोला आप ये दे रहे हो 300 में. मजाक मत करो. देखो मैं पैसे दे रही हूँ. दे रहे हो क्या. दे रहे हो. मैं तो दे रहा हूँ तो बस ये 300 रुपए में गाइस मुझे एक और फ्रॉक मिल गए. पता नहीं मैं पहनूंगी कहाँ. जीन्स का जैकेट है क्या आपके पास. जीन्स का जैकेट 6 महीने बाद मिलेगा. 6 महीने बाद आऊंगी क्या वापस यहाँ लेने के लिए. चलो मिलते हैं एक के बाद. ये पता नहीं क्या लेती जा रही है. और मैं एक और कार्गो जो मैं इतनी देर से ढूंढ रही थी वो मैंने यहाँ से लिया है. उनसे आके ले लेना गाइस. हम आगे जा रहे हैं. सो लेट्स सी क्या कर रही. सो हमने क्या के लिए हमने फ्रॉक और एक ये हमने लिया है कॉट सेट लिया है इन भैया से. तो नेक्स्ट टाइम आओ तो लेना. कितने में दिया आपने मुझे. ये आपको दिया बहुत 1200 रुपीज़. 1200 में इन्होंने मुझे 1200 में दिया यार. इन्होंने 50 रुपये भी कम नहीं करना चाह रहे. और मेरा ग्रीन ही दिया है फिर आपने मुझे. क्या पता येलो इज माई फेवरेट बट देन येलो. ओ ही नोज एवरीथिंग. सो अब हम लेते हैं एंड देन आई विल गेट बैक टू यू गाइस. सो फाइनली बहुत लूटने के बाद और लुटने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं. अब हम जा रहे हैं सीपी. मैंने सोचा था मैं नेल्स कराऊंगी पर अब वो पॉसिबल नहीं है. सो हम लोग जा रहे हैं सीपी जो कि वहाँ है. एंड आई विल टेक यू गाइस क्योंकि हम जाते जा रहे हैं और मेरी बहन आने वाली है वहाँ पे मुझसे मिलने. सो गाइस लेट्स गो. बारिश में भी व्लॉग कर रहे हैं तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना क्योंकि आई एम मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स. और ये भी लगेज मंगवा रही है. सो चलो लेट्स गो. कोई वरना फ़ोन लेके मेरा भाग जाएगा. सो ये रहा सीपी. अब मैं वहाँ जाने वाली हूँ. मतलब दिल्ली ऐसा मुझे लगा है कि ना हाइप लग रहा है यार. मतलब सब कुछ इतना ऐसा लग रहा है बगल में ही है. बट चलो हम सीपी जाते हैं एंड देन एक बार मिलाती हूँ. राधिका भी आ रही है. सो गेट बैक टू यू. सो अब हम हैं सीपी में. वो अपना कैब बुक करी है फिर ऑटो करी है गैस. और उसके बाद मैं जाने वाली हूँ जैसे मैंने बताया. तो यहाँ पे सारे आउटलेट से मैंने सोचा था मैं चले जाऊँगी बट अभी आई डोंट थिंक मैं जा पाऊँगी. सो एक बार मैं राधिका से मिलती हूँ कि बहुत बारिश हो रही है. इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली कि मैं आई डोंट नो कि मैं इसको लेके कैसे जाने वाली हूँ. सो जस्ट गिव मी सम टाइम एंड देन आई गेट बैक टू यू. वेट उसका कुछ फिगर आउट करना है. वेट गाइस. तो मैंने फिर एक ऑर्डर किया है जस्ट फॉर लाइक 20 रुपीज़. दिस इज सीपी
और अब मैं जा रही हूँ सर्वना भवन राधिका से मिलने। यार यहाँ तो बहुत ही अमेजिंग आउटलेट्स सारे, पर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं शॉपिंग का। मैं शॉपिंग कर रुकूँ इतनी ज़्यादा पैसे बर्बाद कर दिए, बट चलो लेट्स गो। हाँ कन्फ्यूजन हो गया, तो राधिका कहीं और चली गई, तो मुझे बोला था सीटी वाला आ रहा है और वो खुद ही जनपद वाले पे चली गई है। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं सर्वना भवन, जहाँ पे हम लोग साउथ इंडियन खाने आए हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर राधिका एंड मेरे ऑटो वाले अंकल सच में आटा टूर, मुझे तो दिल्ली में लोग अच्छे मिले हैं। सो राधिका इज़ कमिंग एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हर सिंस लॉन्ग नाउ। कहीं नहीं अंकल, यार बढ़िया ही लोग हैं यार। चलो एक बार राधिका पाँच बजे से मिलते हैं। So I'm waiting at Sarvana Bhavan and this place is recommended by Alak Bhandari. So thanks Alak. And देखो यार इतने घंटे हो गए, पता नहीं राधिका कहाँ रह गई है। तो ऑटो निकल गया, पर उसमें से एक में से भी वो मुझे नहीं दिख रही है। And finally राधिका is here. जो लोग ज्ञान दे रहे थे वही खुद गलत जगह पहुँचे हैं। अरे बराबर का पता नहीं, चेक करिए मेरा ऑर्डर। पहले गलत गलत सर्वना भवन पहुंच गए। तू पहले उधर थी क्या? मैं उसी साइड थी, तूने बोला इधर आ, मैं इधर आई तो खुद उधर चली गई। मैं सीटी वाला इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे को सीटी वाला अच्छा पता था, वो ज्यादा सुंदर। इसको कुछ नहीं पता यार, चुप रहे। बट फाइनली शी मेड इट। हम ऑर्डर करते हैं दलाल के बैग की। फाइनली आवर ऑर्डर इज योर एंड नाउ वी हैव इट, क्योंकि बहुत भूख लग रही है, इतना टाइम लग गया इनको लाने में। छोड़ दे अब खाते हैं। सो अब हम आ गए हैं एक नए कैफे गाइस, इट्स ब्यूटीफुल। और हम लोग हैं अभी डिगिन में। सो हमने शेक ऑर्डर किया है एंड वी जस्ट सिट एंड चिल। हम आए हैं डिग इन, सिर्फ एक शेक डिग इन करने। वो ऑर्डर वाला भी बॉटल का पूछ के गया हमसे, बॉटल भी रखनी है कि हम ले जाए। तो मतलब आप ले जाइए, अब इतनी बेशर्मी हो ही गई है। स्ट्रॉबेरी मांगना मैं मांगती हूँ, बोलती हूँ ना ब्रांड इसको देख का लुक मैं कैप्चर करूँगी। सो दिस इज डिग इन कैफे और हमने क्या ऑर्डर किया है? बेल्जियन चॉकलेट। यहाँ से पानी गिर रहा है, तेरी कसम मेरे हाथ पे गिरा। पानी नहीं पागल ये। देख नहीं, तेरी कसम मेरे ऊपर से आया। तू इधर आ, मैं साथ जाता। नहीं पर ठीक है, एक बार ही आया अभी, इसको बंद कर। राधिका भी जा रही है मेरे लिए कैब बुक करके, फिर मैं जाऊंगी स्टेशन एंड विल सी देयर। फाइनली आई एम एट द स्टेशन और मेरा जो कोच है A1 एंड माय सीट नंबर इज 12। सो लेट मी जस्ट कीप माय बैगेज एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। सो फाइनली आई एम इन ट्रेन, सेकेंड AC में हूँ मैं एंड मेरी साइड अपर है। और अब मैं आ चुकी हूँ फाइनली, अभी टाइम पता नहीं, एक सेकेंड और मैं देख ही नहीं पा रही हूँ कि टाइम क्या है। सो टाइम इज़ 12:46 और 11:10 की मेरी ट्रेन है। और अब मैं एक बार ऊपर जाऊँगी थोड़ी देर में। सी यू सून दिल्ली, इट वॉज रियली गुड। So it's time to say bye to Delhi and it was amazing. और अब मैं जोधपुर पहुँचूंगी एंड देन आई एम गोना एंड दिस व्लॉग। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग। फाइनली आई एम इन जोधपुर एंड अब मैं घर पहुँचती हूँ एंड देन आई गेट बैक टू यू, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोई हूँ और फाइनली मैं पहुँचूंगी, क्योंकि रास्ता शायद ऑटो वाले अंकल को नहीं पता है।